जब तक जेल नहीं जाएंगे तब तक नहीं सुधरेंगे, और बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं सुधरेंगे। आप लड़का के जगह पर लड़की का फोटो दे देते हैं, एसएससी कमीने को ये नहीं पता है कि 2014 में कोई पीसी में था और अभी 2021 में वो एसटी में हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर, मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। बीएसएसए की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है और आपने देखा ही है कि किस तरह से अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 2014 की यह वैकेंसी है और अभी तक उन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, और अभी काउंसलिंग के बाद भी जो हुआ है वो आपके सामने है। हमारे साथ रहमान सर है, रहमान सर जो कि स्टूडेंट के काफ़ी प्रिय हैं, वो क्या कुछ कहते हैं इस मुद्दे पर उनसे देखिए। रूपम, हम बता दें कि 2014 की ये बहाली है, और 2014 में जब इसका परीक्षा हुआ था तो क्वेश्चन आउट हो गया था 7 दिन पहले, तो उसमें न्यूज आपको न्यूज 18 पर मैंने बहुत चिल्लाया था और बहुत बच्चों ने भी चिल्लाया था। उसके बाद प्रोफेसर राम भी जेल गए, सुधीर कुमार भी जेल गए, जितने लोग इसमें लिप्त थे जेल गए। उसके बाद लगातार 7.5-8 साल हो गया, 8वां साल परीक्षा हो रहा है। इसमें बीएसएससी आयोग है कि नहीं है, इस पर हमको संदेह होता है। बीएसएससी का नाम अगर कोई लेता है तो हमको हंसी आती है, गुस्सा भी आता है। एक तो एनसीएल का प्रॉब्लम उठाया, बोला कि 2014 में जो उसका था वही है, उसको ये बीएसएससी कमीने को ये नहीं पता है कि 2014 में कोई बीसी में था और अभी 2021 में वो एसटी में हो गया है, जैसे लोहार। कोई बहुत सारा बीसी में था उसका ईबीसी में हो गया है, बहुत सारे जनरल में थे उनका बीसी में हो गया है। तो 2014 का ही मांग रहा है ये, यानी कि चित भी उनकी पट भी उनकी, तो यह बीएसएससी मानसिक रूप से करप्ट हो गया है, छात्रों के साथ खिलवाड़ की जा रही है, और मुख्यमंत्री भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। निश्चित रूप गलत है, एक गलत बात है। अब बायोमेट्रिक मशीन देखिए, कि मैं जान रहा हूँ कि बायोमेट्रिक मशीन में बच्चे जो हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हैं। अब तुम्हारा बायोमेट्रिक मशीन मेल नहीं खा रहा है, गलत है, धांधली करके तुमने पैसा बेच के उसको किसी तरह से लिया है, और वैसी परिस्थिति में बच्चों का मेल नहीं खा रहा है, वही बच्चे का 50 बार में मेल नहीं खा रहा है, कौन और मेल खा रहा है। तो जिस जो भी इस तरह इस काम में लिप्त है उसको जेल में डालना चाहिए। वो जब तक जेल नहीं जाएंगे तब तक नहीं सुधरेंगे, और बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं सुधरेंगे। आप लड़का के जगह पर लड़की का फोटो दे देते हैं, कभी हीरोइन का फोटो देते हैं, कभी सलमान खान का फोटो दे देते हैं। आप बनाते हैं अधिकारी, बनाते हैं, कहते हैं कि हम स्वच्छ बिहार बनाएंगे, हम भारत को महान बनाएंगे, हम बिहार को महान बनाएंगे, पढ़ेगा बिहार बढ़ेगा भारत। अरे रहेगा बीएसएससी, रहेगा बीपीएसएससी, तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप सुन लीजिए प्लीज, बीपीएसएससी को और बीएसएससी को भंग कीजिए। आप भंग करके सारी जिम्मेवारी बीपीएससी को दीजिए, क्योंकि बीपीएससी प्राइमरी शिक्षक से लेकर हर तरह की परीक्षा को ऑर्गेनाइज सफलतापूर्वक कर चुकी है। इसलिए इन दोनों के बस की बात नहीं है छात्रों की समस्याओं का निराकरण करना, और अब बहुत हुआ, अब नौटंकीबाजी छोड़िए और किसी भी परिस्थिति में इनकी नियुक्ति कराइए, नियुक्ति कराइए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने 14,000 कुछ बच्चों को बुलाया है, 13,120 सीट है। मैं जान रहा हूँ कि 15-25% बच्चे अब जो है वो काउंसलिंग में शामिल ही नहीं हुए, बहुत सारे दरोगा बन गए हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे तो सीओ बन गए हैं, बीपीएससी क्वालिफाई कर गए हैं, बहुत सारे दुनिया को छोड़ दिए हैं। तो वैसी परिस्थिति में मैं यही अपील करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर फर्स्ट लिस्ट में सीट नहीं बढ़ता है तो सेकेंड लिस्ट निकालिए, थर्ड लिस्ट निकालिए, लेकिन 13,120 बच्चों की नियुक्ति होनी चाहिए, अन्यथा बीएसएससी के रहने का कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। तो आपने सुना कि जिस तरह से बीएसएससी जो कर रही है अभ्यर्थियों के साथ, अब देखना यह है कि उनको न्याय कब मिलती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ, धन्यवाद।